नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। यूक्रेन में एक बैठक के दौरान कहां पर हुआ ग्रेनेड अटैक, ये आपको बताएंगे। दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी अब टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं पहन पाएगा, ऐसा क्यों होगा आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर बेटी के पैदा होने पर शहर भर में धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया है, ये खबर भी विस्तार से आपको इसी बुलेटिन में दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन में ग्राम काउंसिल की बैठक चल रही थी, तभी एक शख्स मीटिंग रूम में आया और ग्रेनेड से धमाका कर दिया। ब्लास्ट में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यूक्रेन में मीटिंग के दौरान फेंके ग्रेनेड, धमाके में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। मंजर ऐसा कि जिसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। एक मीटिंग के दौरान एक शख्स आता है और वो वहाँ पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद तो जोरदार धमाके होते हैं, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। दहशत में डालने वाला ये वीडियो आया है यूक्रेन से। एक बंद कमरे के अंदर ग्रामीण परिषद की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर कई लोग बैठे हुए होते हैं। वो मीटिंग कर रहे थे तभी काला कोट पहने हुए एक शख्स दरवाजा खोलता है। उसने दोनों हाथ कोट की जेब में डाले थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सभी को शांत करने की कोशिश करने लगा। जब सभी चुप हो गए तो उसने बोलना शुरू कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। शख्स बोलते बोलते अपनी कोट की जेब से कुछ सामान निकालता है और उसे फर्श पर फेंकने लगता है। सभी लोग चुपचाप ये देखते रहे। किसी को इल्म ही नहीं हुआ कि शख्स अपने साथ हैंड ग्रेनेड लाया हुआ है। लेकिन वहीं पर मौजूद कुछ लोग समझ गए थे कि शख्स बड़ी वारदात को अंजाम देने आया है। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। दो हैंड ग्रेनेड फर्श पर गिरते ही जोर से फटने लगते हैं। जोरदार धमाके के साथ वहां पर टेबल कुर्सियों के परखच्चे उड़ गए। तीसरा ग्रेनेड भी कुछ ही क्षणों में फट पड़ता है। जो लोग थोड़ी देर पहले मीटिंग कर रहे थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस के मुताबिक यूक्रेन की ये घटना पश्चिमी इलाके के करेस्तकी शहर की। शुक्रवार की सुबह एक इमारत में ग्राम परिषद की मीटिंग हो रही थी, तभी परिषद का एक प्रतिनिधि बैठक में पहुंचा और उसने ग्रेनेड से धमाके कर दिए। इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई है, वहीं करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसे 20 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच हमले लगातार जारी हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक रूस से युद्ध होने की वजह से कई यूक्रेनी नागरिकों के पास हथियार हैं और करेस्तकी में इन हथियारों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जिस शख्स ने वारदात को अंजाम दिया उसकी जान बच गई है। उसने क्यों ऐसा किया, अब पुलिस इसकी वजह तलाशने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में योगदान कोई भूल नहीं सकता। वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैदान में उतरते थे, लेकिन अब कोई भी खिलाड़ी उनकी 7 नंबर की जर्सी को नहीं पहन पाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मैदान में 7 नंबर की जर्सी के क्या मायने हैं, ये बयां करना मुश्किल है। इस जर्सी के साथ क्रिकेट फैंस के इमोशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस जर्सी के साथ भारतीय क्रिकेट की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि 7 नंबर की जर्सी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की है, और जब वो ये जर्सी पहने मैदान में उतरकर टीम इंडिया की अगुवाई करते थे, विरोधी टीम के हौसले पस्त हो जाते थे।
भारतीय क्रिकेट को चलाने वाली बीसीसीआई ने अब 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए खेलता है वो 7 नंबर की जर्सी नहीं ले पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी वो आईपीएल खेलते हैं और चेन्नई टीम की अगुवाई करते हैं। धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया को कई ट्रॉफियां दिलाई हैं, जिसमें 2 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शामिल है। अब धोनी के योगदान को देखते हुए बीसीसीआई ने उनकी 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को उसके बारे में बता दिया है। बीसीसीआई के फैसले से टीम इंडिया के खिलाड़ियों के विकल्प सीमित हो गए हैं। आईसीसी खिलाड़ियों को 1 और 100 के बीच कोई नंबर चुनने की अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए लगभग 60 नंबर चिन्हित हैं। अगर कोई खिलाड़ी 1 साल के लिए भी टीम से बाहर हो तो उसका नंबर नए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। इसलिए जो टीम में डेब्यू करता है उसके पास चुनने के लिए 30 नंबर ही होते हैं। आज भी फैंस को महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर कमी खलती है। धोनी की अगुवाई में भारत ने साल 2007 में T20 और साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ ही साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का दर्जा सबसे ऊपर माना जाता है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी का भी अहम स्थान है। जब वो 7 नंबर की जर्सी के साथ मैच खेलने उतरते थे तो फैंस को जीत का भरोसा रहता था। धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे, 98 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 4,876, वनडे में 10,773 तो वहीं T20 मैचों में 1,617 रन बनाए हैं। धोनी के नाम 634 कैच और 195 स्टैंपिंग भी। इससे पहले साल 2017 में सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। इसलिए कोई भी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी के साथ नहीं दिखता, अब 7 नंबर की जर्सी भी कभी नहीं दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बेटी के जन्म होने पर आज भी कई घरों में उत्साह नहीं देखा जाता है। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। देखिए, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग पूरे जोश खरोश के साथ झूम रहे हैं। हर किसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। विंटेज गाड़ी का इंतजाम किया गया है जिसे फूलों से सजाया गया है और शहर की सड़कों से होते हुए जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की बारात निकल रही हो, लेकिन ये बारात नहीं है, ये बेटी के जन्म होने की खुशी है और उसी का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जा रहा है। दरअसल वृंदावन के राय वाली गली में रहने वाले वार्षणेय परिवार के घर में बिटिया पैदा हुई है, जिसके बाद तो घर वालों को ऐसा लगा कि जमाने भर की खुशियां मिल गई हो। बेटी को अस्पताल से घर लाने के लिए जोरदार जश्न की तैयारी की गई और ये सेलिब्रेशन नवजात के लिए ही रखा गया। ये लड़का अगर भाग्य से होता है तो लड़कियां सौभाग्य से होती है, यानी कुल मिलाकर ये देखिए कि कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, कुछ भ्रूण हत्या होती है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। समाज में ये जागरूकता होनी चाहिए कि लड़कियां जो हैं लड़कों से बेहतर हैं। घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन वार्षणेय परिवार बेटी होने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। आज के युग में बेटी बेटों से बढ़ गए, अगर घर में पुत्र हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पुत्री हुई है तो खुशी मनानी चाहिए, सबको मिलके हर्षोल्लास से उसका स्वागत करना चाहिए। आसपास के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मातम मनाते हैं या फिर उदास होते हैं, मायूस होते हैं, तो वो ना हो। इंडिया घर की लक्ष्मी है, बेटी को भाग्य से मिलती है। प्यार में सम्मान है और सभी के लिए खुश रहें।
बेटी के स्वागत के लिए घर तक बैंड बाजे ढोल बजाए गए। घर के दरवाजे से लेकर पूरी गली में रेड कारपेट बिछवाया गया। बेटी को जिस विंटेज कार में लाया गया उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। रास्ते में फूलों की वर्षा की गई। बिटिया के घर आने पर आतिशबाजी के साथ साथ आस पड़ोस में मिठाई बांटी गई। बेटा और बेटी को लेकर आज भी कई घरों में भेदभाव देखा जाता है, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी है। बेटा और बेटी को समान नजरिए से देखा जाने लगा है। ये तस्वीरें उसी की मिसाल पेश करती है और साथ में समाज को बड़ा संदेश देने वाली है। मथुरा से न्यूज 18 के लिए नितिन गौतम की यह रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार का फोकस 13 जिलों पर नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर है और डेस्टिनेशन में काम भी शुरू हुआ है। देखिए नैनीताल से हमारी ये रिपोर्ट। नैनीताल का मुक्तेश्वर 13 डेस्टिनेशन में जरूर है, लेकिन अब भी यहाँ काम नहीं हो सके हैं। पुराने थाने और शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी शुरू नहीं हो सके। पहले चरण में न पार्किंग बनी, न ही पानी की उपलब्धता हुई। हालात तो ये है कि पर्यटकों को यहाँ एटीएम तक की सुविधा नहीं है, जिससे कारोबारी से लेकर पर्यटक तक परेशान है। पाइपों में पानी नहीं है और जैसे कहीं पर खोद के किसी घर के आगे से डाला है तो उसको बंद नहीं किया है, तो गांव वाले को दिक्कत आ रही है। तो जब तक पानी का फ्लो चालू नहीं होगा, खाली नलों से क्या करेंगे लोग। तो धीरे धीरे करके ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। नैनीताल में रोक टोक के बाद मुक्तेश्वर की तरह पर्यटकों ने रुख किया है और यहाँ सनसेट से लेकर हिमालय की दीदार करना पर्यटकों खासा पसंद है। पहले चरण में थोड़े काम ही हुए, जिससे कारोबारी नुकसान झेल रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पहले चरण के कामों का हिसाब लेकर दूसरे चरण के काम शुरू करने की बात कर रहा है। तो विभागों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उनमें जिनमें द्वितीय चरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, प्रथम चरण की यूसी इत्यादि की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करा लें, ताकि समय से धनराशि अवमुक्त कराई जा सके और जो काम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में चल रहे हैं या सुविधाओं के विकास के जो काम चल रहे हैं वो समय से पूर्ण कराए जा सके। बहरहाल 13 जिले 13 डेस्टिनेशन सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन धीमे काम से पर्यटन प्रभावित हो रहा है। नैनीताल का मुक्तेश्वर नया हब टूरिस्ट के लिए बन तो रहा है, लेकिन सुविधाएं और बेहतर हो तो ये वादियां देश भर के लोगों को लुभा सकती हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विश्व की रिपोर्ट।